नहीं, हाँ बैठ जाओ, छह नहीं करना चाहिए, हाँ अच्छे बच्चे हो, बैठ जाओ। तो वे कौन सा टच किए? कौन टच? गुड टच। बच्चे इतने मासूम होते हैं कि उन्हें अपने आसपास सब अच्छा ही लगता है। ऐसे में वो कई बार अपने साथ होने वाले बुरे को भी नहीं समझ पाते हैं। यहाँ तक कि माता पिता भी यही समझते हैं कि उनके साथ सब अच्छा ही हो रहा है। यही वजह है कि बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले बढ़ने लगे हैं। ऐसी घटनाओं में होती वृद्धि देख कई स्कूलों में अब बच्चों को गुड टच और बैड टच के बीच का फर्क खुलकर समझाया जाता है। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रयासों में से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो बच्चों को सही गलत का अंतर समझा रहा है। हाल ही में वायरल हुआ ये वीडियो अपने सही कारणों से धूम मचा रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला शिक्षक अपने छात्रों को गुड टच और बैड टच की महत्वपूर्ण अवधारणा के बारे में बड़ी सही अंदाज में सिखा रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक टीचर देखभाल करने वाले टच जैसे सिर पर थपथपाना या गले लगना और एक बुरे टच जिससे शारीरिक या भावनात्मक रूप से चोट पहुंच सकती है के बीच अंतर समझा रही है। टीचर की भाषा सरल है और इसके साथ ही इससे संबंधित उदाहरण भी दिए जा रहे हैं। उनका दृष्टिकोण न केवल जानकारी पूर्ण है बल्कि सशक्त भी है। ऐसी शिक्षा से ये फायदा है कि इसे सीखने के बाद बच्चे कभी भी अपने साथ होने वाली अनुचित स्पर्श का अनुभव कर सकेंगे और अपनी परेशानी को जाहिर करने में कभी घबराएंगे नहीं। ये वीडियो रोशन कर राई नामक हैंडल द्वारा ट्विटर पर पोस्ट किया गया है और वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि यह टीचर प्रसिद्ध होने की हकदार है। इसे पूरे भारत के सभी स्कूलों में दोहराया जाना चाहिए। इसे जितना हो सके शेयर करें। इस वीडियो का वायरल होना स्कूलों में एक ऐसी शिक्षा के महत्व को रेखांकित करता है, खासकर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में जहां इस तरह के ज्ञान तक पहुंच अक्सर सीमित होती है। इस वीडियो पर कमेंट करते हुए कुछ यूजर्स ने ये भी सुझाव दिया है कि शिक्षक ही नहीं बल्कि माता पिता को भी अपने बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में सिखाने की पहल करनी चाहिए। इससे हमारे बच्चों की सुरक्षा में समाज की सामूहिक जिम्मेदारी उजागर होगी। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिखें। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छा। मैम ये बैड टच है, नहीं करना चाहिए। हाँ मैम ये गंदा बात है। नहीं अरे हम तुमको प्यार ना कर रहे हैं। बैड टच है। हाँ बैड टच है, नहीं करें, नहीं करना चाहिए। वेरी गुड, शाबाश। दो मिनटो, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सुलेखा। सुलेखा, अरे वाह वेरी गुड, तुम तो बहुत अच्छी हो। अरे वाह, कितना क्या पापा कहते? नहीं मैम ये बैड टच है। हाँ नहीं मैम, नहीं बेटा अच्छा तुम नहीं हुआ बेटा। नहीं मैम ये बैड टच है। नहीं बेटा हम तो तुमको प्यार ना कर रहे हैं, कौन बोला है? हाँ नहीं मैम ये बैड टच है। बैड टच है, हाँ। क्या हुआ? नहीं मैम ये बैड टच है। तो वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये अभी बोले ना, ताली दो, शाबाश। क्या नाम है तुम्हारा? आदित्य कुमार। ये गुड टच की बैड टच? वाह, कौन सा क्लास में पढ़ते हो बेटा? क्लास वन। वेरी गुड, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, बैठ जाओ। तो वे कौन सा टच किए? कौन टच? गुड टच। नहीं वेरी गुड, कौन कौन सा बैड टच होता है? गर्दन छूना होता है, बैड टच, ये सब छाती छूना होता है, बैड टच ये सब होता है, बैड टच और ये सब गर्दन होता है, आगे पीछे सब बैड टच होता है। कमर के नीचे छूना गुड टच की बैड टच क्या होता है? तो किसी को बैड टच करने देंगे? हाँ बैड टच करने दोगी? हाँ नहीं मैं बैड टच है। क्या है? बैड टच। अरे नहीं बैड टच है। नहीं ये बैड टच नहीं। देखो बहुत अच्छा, अगर हम बोले भी कि वो बैड टच नहीं है या अंकल भी बोले कि ये बैड टच नहीं है तो मानोगे क्या? नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ताली दीजिए। तो सपना बताइए बैड टच कौन कौन होता है? अच्छा कोई अगर बैड टच करेगा तो क्या करोगी? बैड टच करने दोगी किसी अंकल को? कभी नहीं जाएंगे। हाँ नहीं नहीं तो बैड टच कौन बताया? सीखे। सीखे हो, वेरी गुड, तो बैड टच करने हम नहीं देंगे। सपना के लिए ताली। छाती को छूना था यहाँ पे, कौन टच?